हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ठंडाई। तो यहाँ पर ठंडाई बनाने के लिए हमने एक कप बादाम लिए हैं, हाफ कप हमने काजू लिया है, 2 टेबलस्पून हमने सौंफ लिया है, 2 टेबलस्पून हमने पॉपी सीड्स लिया है, और यहाँ पर कुछ ये सूखी गुलाब की पत्तियाँ ली है। ये घर की ही गुलाब की पत्तियाँ हैं, तो मैंने सुखा के रख रखी थी। और मैंने यहाँ पर लिया है, ये है केसर के कुछ धागे और इलायची, 15 इलायची और आधा टुकड़ा जायफल का लिया है। और ये हमने लिया है पिस्ता, तो 2 चम्मच हमने पिस्ता लिया है, और कुछ ये लिए हमने काली मिर्ची के 15-20 दाने। तो हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई लिए है और गैस हमने जला दिया है और कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तो इसमें हमने बादाम, काजू, पिस्ता और सारे सूखे मसाले डालेंगे हम। इलायची भी डाल दी है, हमने सौंफ भी डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद काली मिर्ची भी डाल दी है, अब हम गुलाब की पत्तियां भी डाल दी हैं। इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो जो भी इसमें नमी है वो निकल जाएगी, ताकि जब हम मसाला पीसें तो हमको इसमें ऑयल निकल के ना आए। और हमने इसमें पॉपी सीड्स भी डाल दिए हैं, तो इनको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। गैस हमने बंद कर दिया है, सिर्फ पैन गर्म किया था हमने, ताकि इन मसालों में, और हमने ये ली है मिश्री, तो मैं हेल्दी बनाने के लिए, मिश्री में कोई केमिकल नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। तो हमने मिश्री को कोट लिया है और इसको एक बाउल में ले लिया है, तो 1 बाउल भर के हमने मिश्री ली है। तो इन सारे मसालों को अब मैं ठंडा कर लूँगी, जब ये ठंडा हो जाएंगे तभी हम इनको मिक्सर के जार में डाल के पीस लेंगे। तो मैंने सारे मसाले, आधे मसाले डाले हैं, और इसमें मैंने मिश्री भी डाल दी है, मिश्री के साथ हम पीस लेंगे, और केसर के कुछ धागे भी डाल दिए हैं। अब हम इनको बारीक पीस लेंगे, और बारीक पीस लिया है, अब हम इनको छान लेंगे। छानने से जो भी मोटा पार्ट होगा वो हम दोबारा से पीस लेंगे। तो हम अच्छी तरह एक स्ट्रेनर में डाल के चम्मच की हेल्प से इनको छान रहे हैं। जो भी मोटा पार्ट है, हम जब दूसरी बार पीसेंगे, ये सारा मसाला हम डबल पीस रहे हैं, तो हम डबल पीस कर हमने सारा मसाला छान लिया है। अच्छी तरह हमारा ठंडाई पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हम ठंडाई बनाने के लिए यहाँ पर 1 ग्लास दूध लेंगे, तो हमने यहाँ पर दूध लिया है। अब हम इसको मिक्सर के जार में डालेंगे, और इसमें हम 2 चम्मच ठंडाई पाउडर डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये होममेड ठंडाई पाउडर बनकर तैयार है, आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। बाज़ार का इतना महंगा पाउडर क्यों लाना, जब हम घर पे ही इसको आसानी से बना सकते हैं। तो हमने ग्राइंड कर लिया है, और अब हम ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दूध हमारा ठंडा था, अगर आप चाहें तो बर्फ़ के पीस भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको केसर के कुछ लच्छे से गार्निश कर देंगे, तो ये हमारा हेल्दी सा ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है गर्मियों के लिए। गर्मियों में हमें कुछ भी ठंडा ठंडा पीने की इच्छा होती है, बच्चे वैसे भी सिंपल दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमने ठंडाई पाउडर बना के रखा है। अगर आपको ठंडाई पाउडर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।